दुखों से तो उबरते, इसलिए अब आज हमको क्या विचार करना है कि एक ऐसा सुख है, खास सुख, जो संगम युग की सौगात है। एक तरफ तो आपको संगम युग की सौगात शायद इसी समय किसी दूसरे हॉल में मिल रही है, और एक आपको संगम युग की सौगात इस हॉल में मिल रही है। वो कौन सी विशेष सौगात है, उसका उस सौगात से कोई मुकाबला ही नहीं, और वो है अति इंद्रिय क्या सुख। प्रसिद्ध है कि अगर अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, अति इंद्रिय सुख किससे पूछो, किसके गोप गोपियां, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। और अति इंद्रिय सुख का ना किसी को पता है, ना किसी ने अनुभव किया है, ना कोई बता सकता। अब गोपी वल्लभ का क्या अर्थ होता है, वल्लभ कहते पिताजी को। ये खास बात नोट करने की है, वल्लभ कहते पिताजी को, और गोप गोपियों के पिताजी कौन हुए, श्री कृष्ण जी महाराज हुए या कोई परम पिता परमात्मा हुए। श्री कृष्ण जी को कोई पिताजी कहेगा, या कोई 60-70 साल का भी भाई बहन बैठा हो वो श्री कृष्ण को पिताजी कहेगा, अच्छा नहीं लगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि गोपी वल्लभ शब्द हमेशा याद रखो, कि गोप गोपियों के पिता। कल की मुरली में भी, आज की मुरली में भी बाबा ने अति इंद्रिय सुख के बारे में इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहा। क्या कहा बाबा ने, कि दो पिता होते हैं, ठीक है, एक है विनाशी पिता और एक है अविनाशी पिता। विनाशी पिता का क्या मतलब, जो पिता शारीरिक पिता है और एक दिन उसको शरीर छोड़ना ही है, और विनाशी पिता भी अविनाशी पिता को याद करता है, और दूसरा है अविनाशी पिता। विनाशी पिता हम सब के अलग अलग हैं, उसके नाते से हम सब भाई भाई या भाई बहन नहीं हो सकते। अविनाशी पिता हम सबका एक है, जो परलौकिक पिता है, और अगर माता जी को जोड़ा जाए, ब्रह्मा जी को, बड़ी माँ को, तो जो अलौकिक भी है। तो अलौकिक और परलौकिक पिता सबका एक है, और वो अविनाशी है। इसलिए बाबा कहता है कि अगर आपने विनाशी सुख लेना है, अलम काल का सुख लेना है, तो आप लौकिक को याद करते हैं, लौकिक पिता को, लौकिक वस्तुओं को, लौकिक व्यक्तियों को, इस लोक की बातों को याद करते हैं, और वह सुख भी इस लौकिक शरीर के द्वारा ही लिया जा सकता है। और हम सबको अनुभव है कि वो सुख सुख नहीं है, वो शुगर कोटेड सुख है, ऊपर से मीठा लगता है, जब उसको निगलो तो गले में फंस जाता है, तो आप बहुत दुखी होते हैं। हर एक को पता है कि लौकिक सुख जो होता है आजकल के जमाने में, कलयुग में, बहुत बंधन वाला है, यहाँ जाके अटक जाएगा, आपका सांस लेना भी मुश्किल कर देगा। इसलिए बाबा कहता है कि मेरे बच्चे संगम पर इसीलिए मेरे पास है। अच्छा, अब रहा अलौकिक सुख। अब अलौकिक सुख ही अति इंद्रिय सुख, हमें अति इंद्रिय सुख लेने के लिए क्या कुछ याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपने शरीर को देखा, आपकी आंखों ने शारीरिक वस्तुओं को देखा, तो फटाफट, क्योंकि सतयुग से लेकर शरीर को ही देखने का अभ्यास है, तो आप फटाफट आकर्षित हो जाएंगे, आप समझेंगे कि ये सीनरी जो हम देख रहे हैं, नया सूर्य सुबह
धुआं निकल रहा है, ये तो इन आंखों से देखी जा सकती है। इसके बगैर तो आप सनराइज देख ही नहीं सकते, इसलिए इन आंखों की भी जरूरत है और इस दुनिया की भी जरूरत है। तो बाबा कहते हैं वो सनराइज कितना समय रहता है, अगर आपके दिल के अंदर बहुत दुख है, कोई मुसीबत में आप फंसे हुए हैं, कोई शारीरिक रोग है, किसी ने कह दिया आपको कैंसर का खतरा है, तो आपको सनराइज सुख देगा क्या? आप तो ध्यान ही नहीं देंगे उस पर। इसलिए बाबा कहते हैं कि दुख की दुनिया में सुख का सोचना सबसे बड़ी अकलमंदी है, कि दुख की दुनिया में कोई सोचे मुझे सुख मिलेगा तो इससे बड़ी अकलमंदी क्या हो सकती है। और बाबा कहते हैं ये अकलमंदी मेरे बच्चे बहुत काल से करते आए और उस अकलमंदी के कारण थक भी गए, इसलिए अब तो वो अकलमंदी बंद करो, अकल को बंद करो। कलयुगी अकल कलयुगी चीजों को देखती है। तो बाबा हमको कौन सी अकल देते हैं? जिसको कहा जाता है श्रीमान, जो अकल सोने तुल्य भी नहीं है, हीरे तुल्य है, आपको ये श्रीमान संगम पर ही मिले और इसके परिणाम स्वरूप जो सतयुग आएगा उसमें भी आपको अति इंद्रिय सुख